हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ की डीओई की तरफ से आपको मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है। तो 12th of September की यहाँ पर ये वर्कशीट मैंने लगा रखी है, जिसमें अगेन हम चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा एनसीईआरटी में हाइट एंड डिस्टेंस वाला, उसी के ही आगे के क्वेश्चंस करने वाले। तो दो एग्जाम्पल्स आज की वर्कशीट में दिए हैं हमें। तो देखो, वैसे तो ये सॉल्व है, आपको कुछ नहीं करना, पर आपको फिर भी क्वेश्चंस को समझ के फिगर ड्रॉ करनी तो आनी ही चाहिए, ताकि उसके बाद उसका सॉल्यूशन आप खुद कर सकें। ठीक है, देखिए आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 140 meters। आपके पास दो टावर हैं, उनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखा है 140 meters है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज 30 degrees। कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 degrees। अगर आप एक टावर के टॉप को देख रहे हो दूसरे टावर के टॉप से, तो इसका मतलब एक टावर बड़ा और एक टावर छोटा होगा, तभी उसके टॉप पे देख पा रहे हो। इफ़ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज 60 meters, दूसरे टावर की हाइट मुझे दे रखी है 60 है, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। तो पहले आपको फिगर बनानी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, तो मैंने माना कि जो ये एक ए बी है मेरे पास, एक टावर ये है और एक सी डी ए वाला टावर है, ये 60 meters वाला टावर है मेरे पास, नाम दे दिया मैंने यहाँ पर। मैं इसके टॉप से इसके टॉप पर देख रही हूँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है मेरा 30 degrees। क्लियर है? मुझको क्या निकालना है, पूरा ए बी निकालना है। तो इसको मैंने बीच में यहाँ पर डिवाइड कर सकती हूँ बीच में, ठीक है। तो उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ भी लिख लो, ई लिख लो, एफ लिख लो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बी ई तो आपको निकल गया है सीधा सीधा 60 meters, आमने सामने वाला है ना, इक्वल होगा। आपको सिर्फ ए ई फाइंड करना है। उस ए ई में अगर आप बी ई जोड़ दोगे तो आपके पास फर्स्ट टावर की हाइट आ जाएगी। तब वो कैसे करेंगे, वो सॉल्यूशन इन्होंने पूरा यहाँ पर करके दिया है। तो आपको ये निकालना है एच, इतना निकालना है आपको बी ई। तो ये वाला आपके पास 140 क्वेश्चन में गिवन था, तो इसका मतलब ये भी आपके पास 140 होगा। तो थीटा के सामने वाला आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, ये आपके पास बेस हो गया और ये आपके पास हाइपोटन्यूज हो गया। बेस आपको पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो 10-30 आप इजीली यहाँ पर लगा सकते हो। तो 10-30 आपके पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 1/√3। बी ई आपको निकालना ही है, ये 140 है, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास बी ई निकल गया कितना, 140/√3। अब आप चाहो तो यहाँ रूट थ्री की वैल्यू रख दो और चाहो तो रैशनलाइज कर लो, वो आपकी मर्जी है। सॉल्व किया तो मेरा बी ई निकल गया 80.83 meters। अब मैं अपना ए बी निकाल सकती हूँ, मैं 60 तो पहले से ही था वो प्लस कर दिया, प्लस 80.83 meters और प्लस कर दिया, तो मेरा यहाँ पर हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर निकल के आ जाएगी। क्लियर है? चलिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ, ऑफ टू स्टोन्स 1 kilometer अपार्ट ड्यू वेस्ट आर फाउंड टू बी 30 and 45, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक हिल है, तो मैंने ये बना ली हाइट ऑफ द हिल, यही मुझको निकालनी है। दो स्टोन्स हैं यहाँ पर, एक यहाँ मान लिया मैंने, एक यहाँ, क्योंकि 1 kilometer के अपार्ट पे हैं। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एलिवेशन नहीं बन रहा, डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, तो एक बन रहा है 30 और एक बन रहा है कितना आपके पास 45। तो ये 30 आपके पास ये वाला, तो इसका मतलब ये वाला 30 होगा, और ये पूरा बड़े वाला 45 है, तो इसका मतलब ये वाला 45 होगा। अब आपको इतना डिस्टेंस नहीं पता, उसे मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, फिगर बनानी आ गई आपको, तो ये वो फिगर यहाँ ड्रॉ हुई हुई है, ये एच आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे एच, यहाँ पर आपको एच के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइपोटन्यूज हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, पहले ये छोटे वाला ट्राइंगल ही ले लेती हूँ और इसमें मैं अपना 10-45 लगा देती हूँ, तो वो हो जाएगा मेरे पास कितना, एच अपॉन में एक्स। 10-45 होता है मेरे पास 1, एच जो है वो एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, अब मैं अपना बड़े वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ सी ए बी, इसमें भी मैं कुछ नहीं कर रही, इसमें 10-30 लगा रही हूँ बस। तो 10-30 परपेंडिकुलर तो एच ही रहेगा, बेस हो जाएगा एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा 1/√3। एच यहाँ पर ऐसी है, अब एक्स की जगह मैं एच लिख सकती हूँ,
क्योंकि मैंने इक्वेशन वन में दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट थ्री एच बराबर में एच प्लस का वन, रूट थ्री एच माइनस एच इजिकल टू वन, एच को कॉमन ले लिया, रूट थ्री माइनस वन इजिकल टू वन। अब यहाँ से h की वैल्यू आ गई वन अपॉन में रूट थ्री माइनस वन, वैल्यू पुट कर दो सीधा सीधा 1.732 माइनस वन, एच आ जाएगा 0.732, डिवाइड कर दो h की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी, तो हाइट ऑफ द हिल आ जाएगी, क्लियर है। तो वर्कशीट में सिर्फ ये दो क्वेश्चंस थे, ऐसा मत सोचिएगा सॉल्व है तो करके करने नहीं है, आपको इन दो क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी क्वेश्चन ऑफ द डे तो चैनल पे अपलोड है। थैंक यू।